सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी कहो, कॉन्सेंट्रेशन कहो, मोल पर लीटर कहो, एक ही बात है, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम करते हैं के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के मैं एक्सप्रेशन निकाल रहा हूँ ए बी टाइप सॉल्ट के लिए, ए टू बी टाइप सॉल्ट के लिए। तो सबसे पहला ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, ए बी टाइप मतलब जो दो आयन देगा, जैसे NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, ये दो आयन्स देंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अच्छा, सॉल्ट जो होता है वो 100% डिसोसिएट होता है। जो सॉल्ट होता है उसका अल्फा 1 होता है या अल्फा 100% होता है, मतलब वो 100% डिसोसिएट होता है। मतलब सारे मॉलिक्यूल, आप 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो 100 के 100 डिसोसिएट होंगे। तो अब इनमें से कोई मैं एक सॉल्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया NaCl। अब NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहो एस थी, यह सॉल्युबिलिटी एस थी। अब ये ब्रेक होगा, इनिशियली 0-0 है, अभी इसने ब्रेक होना स्टार्ट नहीं किया, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, अभी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी एस है। अब ये ब्रेक हो जाएगा तो टी टाइम के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0, इसकी हो जाएगी एस और इसकी हो जाएगी एस। अब हमें निकालना है के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का जो मल्टीपल है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। इन दोनों सॉल्युबिलिटी का जो मल्टीपल है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशियंट 1 है तो ये भी 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 है तो ये भी 1 आएगा। अगर 2 हो तो 2 कर दो, अगर 3 हो तो 3 कर दो। तो ए बी टाइप सॉल्ट में तो यहाँ 1-1 है, इसलिए 1-1 ही करना पड़ेगा। और ये के एस पी हो जाएगा एस, और ये भी एस, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको इस तरह का सॉल्ट दे देगा, अब आपको ये पता करना है कि कितने आयन होंगे इसमें, कितने आयन के बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, यहाँ पर के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो आपको के एस पी दे देगा एस पूछेगा, एस दे देगा के एस पी पूछेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये हो गया ए बी टाइप ऑफ सॉल्ट, ए टू बी और बी टू ए टाइप ऑफ सॉल्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सी ए सी एल टू, सी ए सी एल टू 3 आयन देना है, सी ए प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, ये 0 ये 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पर, और टी टाइम के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 0, ये एस, ये 0 ये 0, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा 2s। अब के एस पी निकालें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, तो कैल्शियम प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन और क्लोराइड माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशियंट 2 दिया है तो इसको 2 करना पड़ेगा, और यहाँ 1 है तो इसको 1 करना पड़ेगा। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दो, के एस पी इज इक्वल टू कैल्शियम प्लस 2 का हो जाएगा S, और क्लोराइड का क्या है 2S है, तो ये हो जाएगा 2S का स्क्वायर, तो के एस पी क्या हो जाएगा 4S³। तो इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो कभी भी आपको सॉल्ट दे और उसकी सॉल्युबिलिटी दे दे या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दे, तो हमें करना क्या है, पहले सॉल्ट को ब्रेक करना है। ये इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, इस इक्वेशन से फिर फार्मूला निकालो। फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से ब्रेक करके फार्मूला निकाल लो, के एस पी देगा एस निकाल लो, एस देगा के एस पी निकाल लो। अभी इस सॉल्ट में 3 आयन मिल रहे थे सी ए सी एल टू में, एक और सॉल्ट देखते हैं ए थ्री बी टाइप ऑफ सॉल्ट, जिसमें 4 आयन मिलेंगे। ए थ्री बी टाइप ऑफ सॉल्ट, जैसे के थ्री
FeCn6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है तो ये 3K पॉजिटिव आयन देगा, जहां पर भी ये बिग ब्रैकेट आ जाए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है, इसके अंदर के आयन बाहर नहीं आएंगे। अगर आप इसको वाटर में डालोगे, एक्वस मीडियम में डालोगे, तो ये 3K पॉजिटिव देगा प्लस FeCn6 माइनस 3 देगा। तो यहां पर ये 3 आयन मिलेंगे, यहां पर एक आयन मिलेगा, मतलब टोटल 4 आयन मिले। इसकी सॉल्युबिलिटी S 0 0। अब ये पूरी तरह ब्रेक होगा, क्यों, सॉल्ट है, 100% डिसोसिएशन है, तो ये पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें और इसमें टूट गया। ये S से क्या मिलेगा, 3S, और ये S, फिर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये हम कैसे निकालेंगे, K पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आगे 3 है क्यूब, और FeCn6 माइनस 3 इसकी कॉन्सेंट्रेशन का, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये तो एक ही आयन है, यहां 1, तो KSP हो जाएगा ये 3S, ये लो 3S का इसको क्यूब, और ये क्या हो जाएगा S, तो ये 3 3 9 3 27, तो 27S³ और इनटू S, तो ये हो जाएगा 27S4। तो यहां पर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ आयन 4 होंगे। अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ जिरकोनियम फॉस्फेट। NCERT में इंटेक्स में दिया है जिरकोनियम फॉस्फेट। अब जिरकोनियम फॉस्फेट का KSP पूछ रहा है, या KSP का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले जिरकोनियम पे चार्ज क्या है, जिरकोनियम होता है +4 और फॉस्फेट होता है PO4 -3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तब इसका फॉर्मूला आएगा ZR3PO4 होल 4। ये जिरकोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होगा। अब इसको हम ब्रेक करें तो यहाँ हो जाएगा ZR+4। जिरकोनियम प्लस 4 के 3 आयन हैं और फॉस्फेट के PO4-3 के 4 आयन। इस तरह से आपको पहले फॉर्मूला बनाते आना चाहिए, बनाने के बाद उसको ब्रेक करते आना चाहिए। फिर अब इसकी सॉल्युबिलिटी S 0 0, और ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि सॉल्ट है, ये 0, ये 3S, ये 4S। अब KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3S, आगे क्या है 3 क्यूब कर देते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 4S, आगे क्या है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, KSP 3 3 9 3 27, तो 27S³। 4 4 16, 4 4 64 64 4 100 256 S4, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका KSP आ जाएगा, S की पावर 7 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6912 S³।